स्मार्ट सिटी परियोजना के अंतर्गत इंदौर विधानसभा 3 में 50 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का शुभारंभ करने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पहुंचे थे। शिवराज सिंह चौहान ने सभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किसानों का भगवान बता दिया। सीएम ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी दूरदृष्टि रखने वाले नेता है, वो तत्कालिक लाभ के लिए काम नहीं करते, किसानों को दीर्घकालिक लाभ कैसे मिले इसके लिए काम कर रहे हैं। कृषि से संबंधित पारित हुए तीनों विधेयक किसानों के वरदान हैं, ये किसानों की आय को दोगुना करके हमें सशक्त करेंगे। जो विपक्षी इनका विरोध कर रहे हैं वो किसान द्रोही हैं, वे किसानों को भ्रमित करने का प्रयास कर रहे हैं लेकिन वे अपने मंसूबों में कामयाब नहीं होंगे। विधानसभा 3 में 50 करोड़ रुपए के विकास कार्यों की सौगात देने के बाद सीएम ने मंच से खड़े होकर कहा कि अभी तो ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। सीएम ने कहा कि पिछली सरकार कहती थी कि विकास के लिए पैसे नहीं है, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि विकास के लिए पैसों ज़्यादा सेवा भाव होने की जरूरत है। इंदौर ब्यूरो राकेश सचर और दीपक सिंह के साथ अभिजीत सिंह की रिपोर्ट। तालियों से मध्य प्रदेश के जननायक बेहद संवेदनशील कर्मवीर मुख्यमंत्री, जिस मुख्यमंत्री ने इस बीमार मध्य प्रदेश को विकसित मध्य प्रदेश बनाया है और जिस मुख्यमंत्री ने एक नेता से बढ़कर लोगों में भाई और मामा की जगह बनाई है, ऐसे मुख्यमंत्री के लिए दोनों हाथ ऊपर करके तालियों से स्वागत करें। मैं आपको बता देना चाहता हूं मुख्यमंत्री जी हमारे लिए। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।